2023 की एक और सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसकी कहानी तीन ऐसे परिवार के वंशजों की है जिनका काम अपने पूर्वजों द्वारा तीन नदियों के अंदर इकट्ठा किए हुए खजाने के भंडार और संपत्ति की खोज करना है। और इन तीनों परिवारों के हर पीढ़ी में एक जलमानुष यानी ऐसा इंसान जरूर होता है जो पानी के अंदर मछलियों के जैसी शक्ति रखता है। पर एक बार खजाने की खोज के दौरान नदी के अंदर एक परिवार के लोगों के साथ एक रहस्यमय घटना होती है जिसमें वो एक परिवार पूरी तरह तबाह हो जाता है और उस हादसे में एक छोटी लड़की ही बच पाती है जिसके अंदर कुछ अजीब शक्तियां आ जाती हैं। तो बड़ी होकर ये लड़की नदी में हुए उस हादसे का ना सिर्फ पता लगाएगी बल्कि नदी में छिपे खजाने और बाकी रहस्यों का भी खुलासा करेगी। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में गाड़ी में बैठी एक छोटी बच्ची ईशा अपने बहन के बॉयफ्रेंड से पूछती है कि मेरी बहन यक्षी पानी के अंदर पूरा दिन बिना सांस लिए कैसे रह लेती है और मैं नहीं। वो ईशा से कहता है क्योंकि तुम्हारी बहन एक जलमानुष है और जलमानुष में ये खूबी पैदाइशी होती है और तुम जलमानुष नहीं हो। तभी यक्षी वहाँ आ जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है जहाज का हॉर्न बज रहा है, नदी के अंदर एक मकबरा मिला है, हमें अब अंदर चलना होगा। जाते जाते वो अपने बहन से कहती है गाड़ी के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। फिर यक्षी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों नदी में ही परिवार के जहाज पर जाते हैं, जहां ही परिवार के मुखिया की घोषणा के बाद वो दोनों ही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खजाना खोजने नदी के अंदर कूद जाते हैं और गहराई में आगे बढ़ते जाते हैं। तभी यक्षी के बॉयफ्रेंड को अंदर कुछ अजीब सा दिखता है। उधर गाड़ी के अंदर बैठी ईशा बोर हो रही होती है कि तभी एक हैरान करने वाली घटना होती है। नदी के ऊपर खड़ी ही परिवार की जहाज में नीचे से भयानक विस्फोट होता है जिससे वो पूरी तरह तबाह हो जाती है और ईशा की बहन घायल और अजीब हालत में नदी के बाहर आ रही होती है। ईशा ये सब देखकर बहुत डर जाती है। इसी बीच उसके दादाजी भी घायल हालत में आकर उसी गाड़ी पर गिरते हैं और मर जाते हैं। फिर देखते ही देखते ईशा की आंखों के सामने ही नदी से वो भयानक म्यूटेंट लताएं बाहर निकलती हैं और आगे बढ़ते हुए वहाँ ब्लास्ट करके सब कुछ तबाह कर देती है। सुबह जब बाकी दो परिवारों के लोग वहाँ आते हैं तो वहाँ सब कुछ खाक हो चुका होता है और ईशा उन्हें वहाँ घायल हालत में मिलती है। उसके गले में ही परिवार की पुश्तैनी मुहर होती है जो उसकी घायल बहन ने लापता होने से पहले उसे दिया था। इस घटना के बाद 20 साल का समय बीत जाता है और ईशा जो कि अब बड़ी हो चुकी थी उसे कंबोडिया की नदी में बोट चलाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद मैप में लोकेशन देखकर वो बोट को नदी के बीच में एक जगह रोक देती है तथा अपने पक्षी के साथ नदी में कूदकर गहराई में आगे बढ़ती है। अंदर पानी की गहराई में बुद्धा की एक बड़ी मूर्ति में लगे एक ढक्कन को खोलकर वो एक प्राचीन मकबरे में पहुंच जाती है। वहाँ आगे बढ़ने पर उसे 9 सिर वाले नाग की मूर्ति दिखाई देती है। इस बारे में वो फोन पर किसी को बताती है। फोन पर बात कर रहा आदमी ईशा से कहता है वो खामेर साम्राज्य के राजा का मकबरा है। अगली सीन में हम देखते हैं कुछ लोग एक लड़के के पीछे पड़े हुए होते हैं। वो लड़का भागकर उसी नदी के अंदर एक बोट पर चढ़ जाता है और भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके पीछे लगी गैंग का लीडर उस लड़के को पकड़ लेता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारा नाम जोंग है। वो लड़का कहता है हाँ। गैंग लीडर जोंग से कहता है तुम्हारे हाथ में जो जियांग परिवार की मुहर है वो मुझे चाहिए। जोंग काफी डरा हुआ होता है इसलिए वो मोहर उसे दे देता है, पर ध्यान से देखने पर गैंग लीडर को पता लगता है कि ये मोहर तो नकली है। इसी बीच जोंग नदी में कूद जाता है और लीडर उस पर गोली चला देता है। दूसरी ओर उसी नदी के नीचे मकबरे में ईशा को एक ताबूत मिलता है। ईशा अपने गले में पहनी हुई पुश्तैनी मोहर उस ताबूत के सुराख में लगाती है जिससे ताबूत जमने लगता है। फिर ईशा जब उस ताबूत का ढक्कन खोलती है तो उसके अंदर उसको एक धातु की किताब मिलती है। इधर नदी में गिरे जोंग को पकड़ने के लिए गैंग के लोग नदी के अंदर भी आ जाते हैं। दरअसल जियांग परिवार की असली मोहर जोंग के सीने के अंदर धंसी हुई थी जिसकी वजह से जोंग के शरीर के घाव अपने आप ही भरने लगते हैं। इधर मकबरे के अंदर भूचाल आ जाता है और सब कुछ गिरने लगता है। अब ईशा वहाँ से बचकर भागती है। इस दौरान उसको वहाँ उसकी बहन की आत्मा दिखाई देती है। उधर उस गैंग के लोग जोंग पर फिर से गोलियां चलाने लगते हैं जिससे वो अंदर और गहराई में गिरने लगता है। तब तक ईशा भी तबाह हो चुकी मकबरे से निकलकर वहाँ आ जाती है।
जॉन के सीने में पुश्तैनी मोहर देखकर वो उसको बचाकर ऊपर ले जाने लगती है। इस दौरान गैंग के लोग ईसा से कहते हैं, तुम ही परिवार से हो और हम डिंग परिवार से हैं। इस आदमी को हमारे हवाले कर दो। ईसा ऐसा करने से मना कर देती है। अब ईशा और डिंग परिवार के गैंग में लड़ाई शुरू हो जाती है। ईशा उनमें से कई लोगों को मारकर घायल कर देती है और जॉन को लेकर नदी के ऊपर चली जाती है। वहाँ उसको मारने की कोशिश कर रहे डिंग फैमिली के बाकी आदमियों पर ईशा टूट पड़ती है और एक एक करके उन लोगों पर हमला करने लगती है। अपने साथियों को पिटता हुआ देखकर उनका लीडर डिंकी ईशा पर गोलियां चलाने लगता है, पर ईशा उसको भी नदी में गिरा देती है। आखिरकार डिंकी बाहर आकर ईसा से कहता है, हम तीनों परिवार एक हैं, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। इस पर ईसा कहती है, तो जाकर डिंग परिवार के बॉस चाचा सेंग से बता दो कि जियांग परिवार की मोहर उस लड़के के पास इस नदी में मुझे मिली है, इसलिए इस पर उनका कोई हक नहीं है। इसके बाद वो बोट में जॉन को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जब उसके गर्दन के पीछे बना निशान उभरने लगता है तो वो खुद को एक इंजेक्शन लगा लेती है और नॉर्मल हो जाती है। फिर जिससे वो मकबरे में फोन पर बात कर रही थी, उस यूडी को कॉल करके बताती है कि मुझे जियांग परिवार की वो पुश्तैनी मोहर मिल गई है और वो एक लड़के के सीने के अंदर है, इसलिए तुम जल्दी से मेरे घर पहुँचो। अगले सीन में ईशा का घर दिखाया जाता है। यूडी वहाँ आता है तो ईशा उससे कहती है, तुम डिंग परिवार के जलमानुष हो और मैं यी परिवार की जलमानुष। आज तुम्हारे डिंग परिवार के प्रमुख चाचा शेंग के आदमियों ने जियांग परिवार की मोहर पाने के लिए मेरे साथ नदी में लड़ाई की, जबकि उस पीली नदी पर सिर्फ मेरे ही परिवार का अधिकार है, पर फिर भी मैं उस लड़के जॉन को यहाँ ले आई हूँ जिसके अंदर जियांग परिवार की पुश्तैनी मोहर है। यूडी कहता है, डिंकी चाचा शेंग का गोद लिया हुआ बेटा है, उन्होंने उसे डिंग परिवार का गैंग लीडर बना रखा है, पर तुम्हें तो पता ही है मेरी शेंग और डिंकी से बिल्कुल नहीं बनती और तुम ही मेरी एकमात्र फ्रेंड हो। इसके बाद ईशा उसको जॉन को दिखाती है। यूडी कहता है, जियांग परिवार की पुश्तैनी मोहर इसके सीने में कैसे है, ये तो आयरन मैन की तरह दिख रहा है। ईशा उससे कहती है, इसके शरीर के घाव उस मोहर की वजह से अपने आप ही भर जाते हैं। इस बात को साबित करने के लिए ईशा जॉन पर चाकू फेंक कर मारती है तो जॉन उठकर बैठ जाता है और उसका घाव अपने आप भरने लगता है। ईशा यूडी से कहती है, पुश्तैनी मोहर इसके शरीर में घुसने की वजह से ये भी एक तरह से जलमानुष बन चुका है। फिर ईशा जॉन से पूछती है, जियांग परिवार की ये पुश्तैनी मोहर तुम्हारे शरीर के अंदर कैसे पहुंची? क्या तुम जियांग परिवार से हो? जॉन कहता है, नहीं, मैं एक व्यापारी परिवार से हूँ और ये मोहर बचपन से ही पता नहीं कैसे मेरे अंदर है। उधर जॉन का पता लगाकर उससे मोहर पाने के लिए जब डिंकी नदी के आसपास खोजबीन करता है तो उसको वहाँ वो इंजेक्शन मिलता है जो ईशा ने इस्तेमाल किया था। फिर वो अंकल सेंग को फोन करके बताता है कि उसको ईशा की बोट में एक इंजेक्शन मिला है। क्या वो ड्रग्स लेती है? सेंग कहता है, नहीं, उसको एक अजीबोगरीब बीमारी है, तुम किसी भी तरह उसको यहाँ लेकर आओ और साथ में उस जॉन्ग के पास से जियांग परिवार की पुश्तैनी मोहर भी लेकर आना, तभी हमारा ये मिशन आगे बढ़ पाएगा। दूसरी तरफ ईशा और यूडी जॉन को जंगल ले जाकर उससे कहते हैं, अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हें इस गड्ढे में जिंदा ही दफन कर देंगे। जॉन कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं व्यापारी परिवार से हूँ, जियांग परिवार से नहीं, और एक बार मैं बचपन में नदी में गिर गया था, तभी से पता नहीं कैसे वहाँ ये मोहर मेरे बॉडी में घुस गई। ये सब पूछती है, और तुम हमारे बारे में क्या जानते हो? जॉन कहता है, तुम लोग उन तीन परिवारों से हो जिनका काम तीन नदियों के नीचे इकट्ठा किए पुश्तैनी खजाने की खोज करना और उसकी रक्षा करना है, और तीनों परिवारों में एक ऐसा इंसान जरूर पैदा होता है जो जल मानुष हो, यानी वो पानी के अंदर मछलियों जैसे सांस ले सकता है और तेज रफ्तार से भाग भी सकता है। अब ईशा उसे कहती है, तुम्हें हमारे साथ नदी के अंदर पैतृक मकबरे में चलना होगा, क्योंकि पिछली बार नदी के अंदर जिस मकबरे के ढहने पर मुझे भागना पड़ा था, वहाँ के ताबूत से मुझे ये जो किताब मिली है उसमें लिखा है कि सफलतापूर्वक उस मकबरे में जाने के लिए तीन परिवारों के तीन जलमानुषों को एक साथ अंदर जाना होगा और उस समय तीनों परिवारों की पुश्तैनी मोहर भी एक साथ होनी चाहिए। वो ये भी कहती है, मेरे पास ही परिवार की पुश्तैनी मोहर है, जॉन के पास जियांग परिवार की पुश्तैनी मोहर है, बस तुम्हें किसी तरह अपने डिंग परिवार की मोहर अंकल शेंग से लानी होगी। इस पर यूडी उससे पूछता है, पर हम तो सिर्फ दो ही जलमानुष है ना? ईसा कहती है, जॉन्ग भी मोहर की वजह से एक जलमानुष की तरह ही बन चुका है,
बाकी पानी के अंदर कब कैसे और क्या करना है ये सब जलमानुष वाली ट्रेनिंग तुम इसको दोगे। तो अब यूडी उसको जलमानुष के तौर तरीके बताने लगता है, पर जॉन का दिल ईसा पर आ जाने की वजह से उसका ध्यान ईसा पर ही लगा रहता है। यूडी कहता है साले तेरा ध्यान काम पर नहीं लड़कीबाजी पर है। अगले दिन दोनों जॉन को लेकर नदी पर जाते हैं और यूडी उसको सिखाता है कि जलमानुष इंसानों के मुकाबले पानी में किस तरह से काम करते हैं। वो उसको ये भी सिखाता है कि पानी के अंदर कैसे अपनी रफ्तार बढ़ानी है और कैसे एनर्जी का यूज करके पानी में हलचल मचानी है। जॉन कहता है मैं समझ गया। दूसरी ओर डिंकी और उसके लोग एक ड्रग डीलर को पकड़ते हैं। ड्रग डीलर वो इंजेक्शन सूंघकर डिंकी को बताता है कि ये ड्रग जानवरों को शांत करने के लिए दिया जाता है, पर मैं ये ड्रग नहीं बेचती। डिंकी फोन करके ये बात शेंग को बताता है। शेंग कहता है अब मैं उसके इंजेक्शन लेने की वजह समझ गया हूँ। इधर ईशा जॉन को अपने साथ लेकर नदी के पास के फार्म हाउस पर जाती है और कहती है अब तक तुमने जो कुछ भी सीखा है आज उसका टेस्ट है। तुम्हें इन मगरमच्छों से बचकर नदी से सुरक्षित बाहर आना होगा। ये देखकर जॉन की फट जाती है, वो पीछे हटने लगता है। ईसा झूठ बोलकर उसको एक सूखी हुई मछली खाने को देती है। उसको खाते ही जॉन का दम घुटने लगता है और उसके गर्दन पर भी वैसा ही निशान उभर आता है जैसा ईशा के गर्दन पर होता है। फिर उसके शरीर की नसें उभरने लगती हैं। अब ईशा कहती है मैंने तुम्हें जो खिलाया है उससे तुमको भी वही बीमारी मिल गई है जो मुझे है। इससे कुछ ही देर में इंसान मर भी सकता है। ये सब सुन रहा जॉन्ग जमीन पर पड़ा तड़प रहा होता है। अब ईशा उसको वही इंजेक्शन लगाती है जो वो खुद के लिए इस्तेमाल करती है, जिससे जॉन की नशे शांत हो जाती हैं और उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। ईशा जॉन से कहती है मेरी तरह तुम भी हमेशा के लिए ठीक नहीं हुए हो। अब से तुम्हें हमेशा ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय एक तरीके के, और वो है नदी के नीचे मकबरे में छिपे जलसार पत्थर को पीना। इसलिए खुद को बचाने के लिए अब तुम्हें हर हाल में वो जलसार पत्थर प्राप्त करना होगा और मुझे भी वही चाहिए। ईसा जॉन्ग से ये भी कहती है कि मैंने यूडी को ये बात नहीं बताई कि मैं पैतृक मकबरे के अंदर जलसार पत्थर ढूंढने जा रही हूँ। ये सुनकर जॉन कहता है तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जलसार पत्थर हासिल करने के लिए मुझे ये लाइलाज बीमारी दे दी। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए खुद ही पैतृक मकबरे में जाने के लिए तैयार था। इसी बीच डिंकी अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है और ईशा से कहता है चाचा शेंग ने तुम दोनों को बुलाया है। फिर उसके लोग ईशा पर गन तान देते हैं। तो अब जॉन्ग और ईशा डिंकी के लोगों पर टूट पड़ते हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। ईशा डिंकी के एक एक आदमी की धुलाई करने लगती है और वो लोग ईशा को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ को तो वहाँ के मगरमच्छ चबा जाते हैं। अपने आदमियों को पिटता हुआ देखकर डिंकी भी ईशा से भिड़ जाता है। आखिरकार दोनों के लड़ाई में एक सूखी मछली मारकर ईशा डिंकी को बेहोश कर देती है। इस दौरान ईशा पर गोली चलाने की कोशिश कर रहे एक आदमी को लेकर जॉन्ग नदी में कूद जाता है और अंदर एक मगरमच्छ को मारकर सुरक्षित बाहर निकल आता है। ये देखकर ईशा हैरान हो जाती है। जॉन्ग बहुत दुखी होता है। वो ईशा से कहता है मैं तुम्हारे लिए वो जलसार पत्थर लाने जाऊंगा ताकि तुम ठीक हो जाओ, ना कि अपने लिए। अगर मुझे अपनी जान की परवाह होती तो मैं तुमको उस आदमी से बचाने के लिए नदी में मगरमच्छों के बीच क्यों कूदता। अब ईशा को एहसास होता है कि जॉन्ग उसको सच में अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। फिर वो जॉन्ग को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। इधर जब डिंकी को होश आता है तो शेंग को फोन पर दोनों के भाग जाने की बात बताता है। अगले सीन में शेंग को एक जेल जैसी जगह में जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ अलग अलग कमरे में अलग अलग लोग कैद होते हैं। उनमें से एक कमरे में ही परिवार का वो मुखिया भी कैद होता है जो 20 साल पहले नदी में जहाज पर हुए हादसे में घायल होकर लापता हो गया था। म्यूटेशन की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। इसके बाद शेंग दूसरे कमरे में जाता है जहाँ ईशा की बहन का वो बॉयफ्रेंड कैद होता है जो 20 साल पहले हुए जहाज हादसे में लापता हो गया था। वो भी म्यूटेशन की वजह से शैतान जैसा बन चुका होता है। सेंग कहता है 20 साल पहले नदी की जिन म्यूटेंट वनस्पति लताओं की वजह से तबाही हुई थी उसी के असर से ईसा अप्राकृतिक जलमानुष बन गई है और मैंने तुम्हें और ही परिवार के लोगों को कैद करके उसी वनस्पति का एक्सपेरिमेंट तुम लोगों की बॉडी पर किया जिसके दुष्प्रभाव से तुम सब शैतान बनते जा रहे हो। इसके बाद सेंग उससे कहता है अगर तुम मुझे ये बता दो कि नदी के मकबरे में कौन सा राज छुपा है तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ।
ये सुनकर वो ये राज बता देता है कि मकबरे के अंदर जलसार पत्थर छिपा है और उससे सभी म्यूटेंट बन चुके लोग न सिर्फ ठीक हो सकते हैं बल्कि अप्राकृतिक रूप से जलमानुष बने लोग असली जलमानुष बन सकते हैं। पर उसको वहाँ से लाने के लिए तीनों परिवारों से एक एक जलमानुष और उनकी मोहर एक साथ होनी चाहिए, तभी वो जलसार पत्थर हासिल किया जा सकता है। इसी दौरान सेंग के आदमी उसे फोन पर बताते हैं कि यूडी यहाँ आया हुआ है और उसे कुछ दिनों के लिए डिंग परिवार की पुश्तैनी मोहर चाहिए। सेंग समझ जाता है कि यूडी वो तीनों मोहर ईसा के कहने पर इकट्ठा कर रहा है ताकि वो जलसार पत्थर हासिल कर सके। अगले सीन में जहाज पर आकर ईसा की बहन की आत्मा उसे आगाह करती है कि वो लोग आ रहे हैं। थोड़ी देर में यूडी सेंग से मोहर लेकर ईशा को दे देता है। ईशा पूछती है कि सेंग ने इतनी आसानी से बिना कुछ पूछे पुश्तैनी मोहर कैसे दे दी। फिर वो मोहर को पटकती है तो मोहर टूट जाती है और उसके अंदर लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगी होती है। ईशा कहती है मोहर नकली है, उसने हम लोगों की लोकेशन जानने के लिए तुम्हें मूर्ख बनाया। तब तक सेंग अपने लोगों के साथ जहाज लेकर वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो ईशा के जहाज पर आकर उससे कहता है तुम झाकू नदी के नीचे जा रही हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हारा चाचा हूँ ना। ईशा सेंग की चालाकी समझ जाती है फिर भी उनको साथ ले चलने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो सब जहाज से नीचे नदी में कूद जाते हैं और अंदर गहराई में मकबरे की ओर बढ़ने लगते हैं। अंदर यूडी सेंग से डिंग परिवार की वो मोहर छीन लेता है। फिर जैसे ही वो तीनों मोहर इकट्ठा होती हैं, वहाँ तेज रोशनी होती है और अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद जब जोंग की आँख खुलती है तो वो एक अजीब सी गुफा के अंदर होता है और ईसा भी वहाँ बेहोश पड़ी होती है। उस जगह कई कांटेदार सीप होती हैं, जो जोंग पर हमला करके उसके शरीर को नोचने लगती है। जोंग अपने बैग से उन आदमखोर सीपियों को दूर धकेलने लगता है जिससे एक सीप में ब्लास्ट हो जाता है। वो ईशा को बचाने के लिए उस पर लेट जाता है। फिर जब ईशा को होश आता है तो जोंग उसे जख्मी हालत में दिखता है और उसकी बॉडी में सीप घुसी हुई होती है। ईशा उसके शरीर से सीपियां निकालती है और उससे कहती है ये पूरी गुफा प्राचीन फूली हुई मिट्टी से बनी हुई है और ये खुद ही खुद का निर्माण करती है। फिर ईशा जोंग से सो चुकी कुछ सीपियों को अपने बैग में रखने को कहती है। इसके बाद आग जलाकर फूली हुई मिट्टी को किनारे करते हुए वो लोग उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। नदी में आगे बढ़ने पर वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कई डूबी हुई जहाजों का मलबा पड़ा हुआ था। वहीं से कुछ दूरी पर सेंग यूडी से डिंग परिवार की मोहर लेने के लिए झगड़ रहा होता है। फिर डिंकी आकर वो मोहर यूडी से छीन लेता है, लेकिन तब तक ईसा और जोंग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे उन्हें मिट्टी में जमी हुई कई लोगों की बॉडी खड़ी हुई दिखाई देती है। सेंग का एक आदमी जैसे ही एक बॉडी को छूता है वो भी मिट्टी का बन जाता है और अपने ही साथियों पर हमला करने लगता है। उससे बचने के चक्कर में कई और लोग पुतले छू जाने की वजह से मिट्टी के बनकर अपने ही साथियों पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच सेंग ईशा और बाकी लोग एक गोल चट्टान तक पहुँच जाते हैं और उसमें अपनी मोहर डाल देते हैं ताकि उसमें से जलसार पत्थर बाहर आ सके, लेकिन उसमें जियांग फैमिली की मोहर डालना बाकी रह गया था। इसलिए सेंग डिंकी से जोंग की बॉडी से वो मोहर निकालने को कहता है, पर यूडी उसको रोकने की कोशिश करता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यूडी को कमजोर पड़ता देख ईसा भी डिंकी से भिड़ जाती है। इधर सेंग जोंग से कहता है अगर ईसा और बाकी सबको बचाना चाहते हो तो मोहर अपनी बॉडी से निकालकर मुझे दे दो। यूडी और ईसा को डिंकी से हारता हुआ देख जोंग अपने सीने से वो मोहर नोचकर उस गोल पत्थर के छेद में डाल देता है जिसमें बाकी की दो मोहर डाली गई थी और फिर घायल होकर गिर जाता है। अब गोलशिला के अंदर से वो जलसार पत्थर बाहर निकल आता है। सेंग ईसा से कहता है अब तुम यूडी को सच बता दो कि तुम जन्मजात जलमानुष नहीं हो बल्कि 20 साल पहले की दुर्घटना में म्यूटेशन की वजह से जलमानुष बनी हो, पर उससे तुमको जो बीमारी हुई उसको ठीक करने के लिए तुम यहाँ जलसार पत्थर लेने आई हो ताकि ठीक होकर तुम प्राकृतिक जलमानुष बन सको। ये सुनकर यूडी दुखी हो जाता है और ईसा से कहता है मैंने तुम्हें हमेशा अपना सच्चा दोस्त माना और तुमने मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आने की असली वजह छिपाई। इधर घायल जोंग ईसा को लव यू बोलकर मर जाता है। अब सेंग वो जलसार पत्थर पीकर एक असली शक्तिशाली जलमानुष बन जाता है। फिर वो सबसे बताता है कि मैंने ही ये परिवार को कैद करके उन्हें म्यूटेशन का डोज दिया और टॉर्चर करके मार डाला। ये सुनकर ईसा का खून खौल उठता है और वो सेंग को मारने आगे बढ़ती है, पर शक्तिशाली बन जाने की वजह से सेंग सब पर हावी होने लगता है।
जलसार पत्थर की कुछ बूंदे पड़ने से ईशा ठीक हो जाती है। इसलिए सेंग से लड़कर वो दोनों जलसार पत्थर पाने की कोशिश करते हैं ताकि उससे जॉन को बचाया जा सके। यूडी से लड़ रहे शेंग पर ईशा जॉन का सीप भरा बैग फेंक देती है जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। शेंग खुश होकर कहता है मुझ पर ब्लास्ट का कोई असर नहीं हुआ। ईशा कहती है तुम शायद नहीं जानते इन सीपियों से असली जल मनुष्यों को भयंकर एलर्जी होती है। अब एलर्जी की वजह से शेंग की बॉडी अंदर से गलने लगती है। मौका देखकर यूडी जलसार पत्थर लाकर जॉन की बॉडी पर डाल देता है जिससे वो ठीक होकर उठकर बैठ जाता है। उधर खुद को बचाने के लिए बूढ़ा शेंग जलसार पत्थर के अंदर ही कूद पड़ता है। इतना जलसार पत्थर उसकी बॉडी में जाने की वजह से वो एक राक्षसी मछली में बदल जाता है और वहाँ बाढ़ आ जाती है। मछली बना सेंग उन लोगों को मारने की कोशिश करता है पर यूडी पहले डिंकी को पानी से निकालकर गुफा में ले जाता है और फिर जॉन को। उस जगह जहाज के मलबों में यूडी और जॉन को वाटर बॉम्ब मिलते हैं। इधर ईशा पानी के अंदर मछली बनी शेंग से लड़ने की कोशिश करके उसका ध्यान बटाने की कोशिश करती है। इस दौरान यूडी और जॉन वो सारे वाटर बॉम्ब पानी के अंदर डाल देते हैं। फिर जैसे ही वो मछली ईसा को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है तो ईसा तो मछली के रफ्तार से वहाँ से आगे बढ़ जाती है पर एक बॉम्ब मछली के दांत से टकराकर फूट जाता है जिससे बाकी के सारे बॉम्ब में भी ब्लास्ट हो जाता है और मछली बना शेंग मारा जाता है। इधर गुफा के अंदर आ रही बाढ़ से बचकर बाहर निकलने का कोई रास्ता न देखकर यूडी और उसके साथी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी ईशा की बहन की आत्मा उसे बताती है कि अंदर एक मेन होल है। ईशा उस मेन होल का ढक्कन खोलकर अपने साथियों के साथ बाहर आ जाती है। अब डिंकी और उसके लोग यूडी को डिंग परिवार का नया बॉस घोषित कर देते हैं और ईशा जॉन का प्यार एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह एक्शन एडवेंचर